सुप्रीमो मायावती के ट्वीट से लेकर जो उन्होंने अभी साझा किए हैं, और साफ तौर पर क्रीमी लेयर के साथ साथ जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अगर हम बात करते हैं, जिसमें क्रीमी लेयर को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार सियासत गर्म है, इसी को लेकर ट्वीट किया है मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का पूरा श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं बल्कि बाबा साहब को जाता है। एक के बाद एक उन्होंने कई ट्वीट्स इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए किए हैं। मायावती ने कहा कि आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहब अंबेडकर को जाता है और कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को चुनाव में भी हराने का काम किया था। जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कल की गई, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कानून मंत्री की अगर बात की जाए तो मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस द्वारा विवश किया यानी मजबूर किया गया था। मायावती ने कहा कि कांग्रेस SC ST के उप वर्गीकरण के पक्ष में है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने ट्वीट में साझा की और उन्होंने ये भी कहा कि साफ तौर पर कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा और उनको चुनाव में हराने का भी काम किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उन्होंने कहा है और SC ST वर्गों के उप वर्गीकरण के संबंध में पार्टी के स्टैंड का खुलासा करने से पहले इनकी पार्टी यानी कांग्रेस NGO और वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी, जिससे कि स्पष्ट है, बहुत साफ है कि कांग्रेस सब क्लासिफिकेशन यानी कि उप वर्गीकरण के पक्ष में है। और जो क्रीमी लेयर है उसके बारे में भी कांग्रेस ने बहुत गोलमोल जवाब दिए हैं, गोलमोल बातें कही हैं। भाई सीधी सी बात है, मायावती का मानना है कि कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई, जबकि मायावती ने कड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि इस पार्टी ने संविधान और आरक्षण को बचाने के नाम पर कई वादे किए थे और इसीलिए कई सीटें भी जीती। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, मायावती के बड़े बोल साफ तौर पर साधा है निशाना जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर, और ये कहा कि बाबा साहब अंबेडकर को भूलने की बात कही जा रही है जब SC ST के तमाम जो काम बाबा साहब अंबेडकर ने किए उनके श्रेय को कम किया जा रहा है, जो बयानबाजी की गई उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मायावती ने साफ निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि बाबा साहब के लिए जो भी कांग्रेस उस समय की लगातार बाबा साहब जिस चीज के हकदार थे वो कभी उनको उस चीज का श्रेय नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके सामने जो परिस्थिति उस समय उत्पन्न की थी, चाहे उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना हो चाहे वो पूरे प्रकरण हो, आज भी वही सिलसिला कायम किए हुए कांग्रेस, और एक बार फिर से संविधान के नाम पर वो अपने नेताओं को श्रेय देना चाहती है। मायावती ने साफ कहा कि जिस संविधान बचाओ के नाम पर आपने जो 99 सीटें जीती, जो आपका प्रदर्शन रहा, उसके बावजूद आपने आवाज नहीं उठाई, ये बात स्पष्ट करती है कि आप इस मामले पर आप जो रुख है उसमें संदेह नजर आ रहा है, खासतौर से वर्गीकृत करने को लेकर जो बातें कही कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि उसमें NGO और तमाम सारे लोगों से बात की जाएगी, एकदम रुख साफ नहीं किया। इसी पर मायावती ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वो सम्मान देने की कभी कोशिश नहीं थी, यहाँ तक कि आपको बता दूं कि भारत रत्न भी कांग्रेस ने कभी देने का प्रयास नहीं किया, हमेशा अन्य महापुरुषों का ज्यादा बखान किया, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो समाज के लिए काम किए, चाहे वो जो महान काम किए, उन पर कांग्रेस कभी भी जो है कह रहे उनको आगे लेकर नहीं आई। यहाँ तक कि चुनाव में हार का कारण ये ऐतिहासिक सत्य है जो जिसको कोई नकारा नहीं जा सकता है, बाबा साहब को हराने का भी कांग्रेस ने काम किया था। इस बात को लेकर मायावती ने निशाना साधा है और स्पष्ट है कि कांग्रेस को रुख को लेकर मायावती काफी नाराज है और इस सियासत अभी और चलेगी। और साफ तौर पर विकास, SC ST में क्रीमी लेयर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की गई, तो बसपा सुप्रीमो का ये भी मानना है कि सभी दलों को इस पूरे मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और साफ तौर पर अगर बात करते हैं हम कांग्रेस एंड पार्टी की, जिस तरह से वो संबोधित करती हैं कि संविधान और आरक्षण को बचाने के नाम पर ही तो भाई आपने 2024 का चुनाव लड़ा था लोकसभा का,
बिल्कुल 2024 का चुनाव कांग्रेस ने इसी दम पे लड़ा था और इसी का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। उनके नेता राहुल गांधी भी, उनके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी और तमाम सारे जो उनके साथ गठबंधन किए हैं, लेकिन जब कोई मुद्दा आ जाता है या ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदर का, उन्होंने अभी अपना स्पष्ट रुख नहीं किया है। और आमतौर पर देखा यह गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में एक शंका रहती है कि वो अपने नेताओं की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब भी कभी सम्मान की बात आई तो उसको श्रेय देने में कांग्रेस हमेशा पीछे हट जाती है और कहीं ना कहीं खुद को श्रेय लेने की कोशिश करती है। और उसी के दम पर उसने जो किया था, अब जो आवाज नहीं उठा रही, अभी भी अपना रुख नहीं कायम कर रही और कहीं ना कहीं श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को देना चाहते हैं आरक्षण लागू करवाने को लेकर, इसी की बात की नाराजगी मायावती ने जताई है। विकास, एक बात और भी जो बसपा सुप्रीमो ने बहुत स्पष्ट तौर पर कही, खास तौर पर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, की भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से ही जब एससी एसटी वर्गों के आरक्षण की बात की जाती है उसके खिलाफ रही है। और 2024 में जिस तरह से आरक्षण और संविधान को बचाने की कवायद लेकर ये दोनों पार्टियाँ चुनाव में एक साथ उतनी, लेकिन अब अपने आप को हितैषी बताकर ये एससी एसटी को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करवा रहे हैं। इस लिहाज से जो ये तमाम ट्वीट किए गए हैं उनका क्या अभिप्राय निकाला जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा और जो बातें जो डराने का काम किया उससे उनको कुछ फायदा उत्तर प्रदेश में नजर आया, लेकिन निश्चित रूप से ये लोगों को जानना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक जहाँ फायदा होता है सिर्फ वही उठाती है। यही बात कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी, जब बांग्लादेश में वहां पर जो 90% जो हिंदू है उनमें 90% दलित है, लेकिन उनके लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है। इसलिए नहीं उठाई जा रही है क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक न खिसक गया है, वोट बैंक अपना न खिसके, इसके लिए कांग्रेस जो है कह रहे हैं ये नहीं करती है या अन्य विपक्षी पार्टियां नहीं करती हैं, जबकि मुद्दे होने चाहिए वहां दलित कमजोर वंचितों की आवाज उठाने के लिए। हमेशा विपक्ष की बात नहीं होती है, बात होती है इंसानियत की, मानवता की। ऐसे मुद्दों पर खुलकर सामने आना चाहिए। जो एससी एसटी वर्ग है इसको जो हितों को संरक्षित करने के लिए। विकास, आपके पास वापस बड़ा मुद्दा है, हमारे साथ दो अहम मेहमान इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए, विजय त्रिवेदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सलाहकार संपादक साहब विनोद मिश्रा जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। अपने आप को जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति का सच्चा हितैषी बताने वाली बसपा सुप्रीमो का ये मानना है कि भाई जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की गई है उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, और जिस बात को लेकर यानी कि आरक्षण और संविधान को बचाने के मुद्दे पर ये पार्टी चुनाव में आई और कई सीटें जीती, लेकिन जो बयानबाजी की गई है खासतौर पर आरक्षण को लेकर सारा श्रेय गांधी परिवार को दिया गया, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्या कहेंगे आप? जी, आज जो ये देख रहे मायावती जी का जो सुबह सुबह ट्वीट आया है वो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के आरक्षण के मुद्दे पे उनको एक्सपोज किया है। मायावती ने कांग्रेस के जो पार्टी का जो अभी तक आरक्षण का एक्सपोज करते हुए कहा कि इस बार देश में जो कांग्रेस पार्टी ने भ्रम फैलाया कि आरक्षण खत्म हो जाएंगे, संविधान बचाना है वगैरह वगैरह, जो जितने भी नैरेटिव लेके वो चुनाव मैदान में गए थे, तो मायावती ने साफ साफ कहा कि इसका फायदा कांग्रेस को मिला और 99 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी आई थी। लेकिन आरक्षण बचाने के लिए मामले में कांग्रेस पार्टी कितना स्टैंड ले पाई इसका उदाहरण अभी पार्लियामेंट सेशन का था, जो उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट के दोनों से पूरे राज्यसभा और लोकसभा एडजर्न हो गए हैं, एक बार भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पे स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कोई स्टैंड इस पे क्लियर नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के सपोर्ट में है या क्रिमिलियर के विरोध में है। किसी भी तरह के कांग्रेस पार्टी के कोई नेता का एक बयान नहीं आया। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब कैबिनेट ने इसका डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सलाम माना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिमिनल लेयर के बारे में सिर्फ अपना एक सजेशन दिया है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए जब कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बीजेपी के सारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एमपी से मिले थे तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि उसमें कोई मतलब नहीं है और जो क्रिमिनल लेयर की बात है वो किसी भी तरह से ऐसा कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह से ना इसका ही कोई सिफारिश की गई है ना आदेश है, तो सरकार को इसके मानने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, ये बात कल लगभग तय हो गई थी जी। अब जब इसमें एक पॉलिटिक्स करने की बात आई तो कम से कम कांग्रेस लीडरशिप को लगा कि उसमें शायद वो पीछे पड़ रहे हैं, तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो एक
नंबर वन कि उन्होंने इस आरक्षण के पूरे आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में बनी थी उसका श्रेय उन्होंने पंडित नेहरू और गांधी जी को दिया। मायावती को इसी बात से कहा है कि इस आरक्षण को लेके सीधे सीधे ये लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ में जिस तरह से नेहरू जी ने काम किया उनको आज मायावती ये पूरा चिट्ठा पढ़ के सुना रही है अपने अपने एक्स हैंडल पे सोशल मीडिया में कह रही है कि कांग्रेस कब से ये आरक्षण की ही तैसी हो गई। यही सवाल उठाते मायावती कह रही है कि जिस कांग्रेस ने संविधान सभा में आने से डॉक्टर अंबेडकर को रोका, एमपी पार्लियामेंट आने से रोका, वो कांग्रेस पार्टी आज अगर आरक्षण के मुद्दे पे, दलित के मुद्दे पे पर्चर की बोलती है तो ये हास्यास्पद है। यही बात मायावती अपने तरीके से बता रही है। उसी पर एक टेक लेते हैं त्रिवेदी साहब का। त्रिवेदी साहब, साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बहुत बड़ा बयान दिया कि भाई नेहरू और गांधी के कारण आरक्षण को संवैधानिक मान्यता मिली, जिसे कहीं ना कहीं बिल्कुल सिरे से खारिज किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। तो आखिरकार आरक्षण का ये मुद्दा जो कहीं ना कहीं एससी एसटी के लिए बहुत अहम है, जिसके नाम पर वोट मांगे गए, जिसके नाम पर कई सीटें भी जीती गईं, लेकिन जब अपना स्टैंड क्लियर करने की बात आती है तो कांग्रेस हमेशा एक कदम पीछे। अचल, यदि आप 2024 के चुनाव देखें और हिंदुस्तान की आजादी का वक्त को देखें तो मुझे लगता है कांग्रेस के स्टैंड में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। जैसे मायावती जी ने जिस बात पर नाराजगी जाहिर की है वो है कि कांग्रेस हमेशा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ही एक्सरसाइज करती रही, जितनी पॉलिटिकल एक्सरसाइज वो कर सकती थी, खासतौर से पंडित नेहरू और जो और लोग तमाम लोग वक्त थे उनको एमपी बनाने से, लोकसभा चुनावों में उनकी हार को लेकर जिस तरह से कांग्रेस की भूमिका रही, संविधान सभा में उनको जाने से रोकने को लेकर रही, कानून मंत्री से इस्तीफा देने पर जो बात हुई उसको याद कीजिए, और फिर 1990 में राजीव गांधी जी का वो बयान जो मंडल कमीशन पर था उसको भी ध्यान कीजिए। तो एक उनके कंसिस्टेंसी है, वो आरक्षण के खिलाफ दिखाई देती है पार्टी। लेकिन जब बात आई कि क्रेडिट जिस तरह से दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, इसलिए मायावती जी की नाराजगी वाजिब भी है और जाहिर भी है कि खड़गे साहब ने कहा कि नेहरू और गांधी ने आरक्षण दिया, अंबेडकर को वो भूल गए, लेकिन अंबेडकर को वो याद कब करते हैं, इसलिए ये सवाल खड़ा करने की बात नहीं है। और ये जो फैसला आया वो महत्वपूर्ण है, उसमें एक और लाइन उन्होंने लिखी अपने एक्स हैंडल पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एससी एसटी के एमपी हैं उनसे मुलाकात की और उनको अश्योर किया कि सरकार इस पर काम करेगी और ऐसा आगे नहीं होने देगी। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो फैसला भी नहीं है जिसमें कैटेगराइजेशन के अलावा क्रीमी लेयर की बात की गई है, तो उस पर उन्होंने स्वागत योग्य, उन्होंने लिखा कि स्वागत योग्य कदम है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन संविधान संशोधन अगर लिया जाए तो करना चाहिए। आपको मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि रेवंत रेड्डी साहब जो है तेलंगाना में अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था सबसे पहले उनका रिएक्शन आया था और उन्होंने कहा था कि तेलंगाना में इस फैसले को तुरंत लागू किया जाएगा। जी जी। तो मायावती जी की चिंता वो है और ये लगातार होता रहा है कांग्रेस के रुख पर। वो जब बात हुई कि कल खड़गे साहब ने भी, जब ऐसा मौका आ गया कि सरकार ने कैबिनेट के बाद भी मंत्री जी ने, कैबिनेट मंत्री ने जिस तरह से जवाब रखा उसके बाद उनकी जरूरत थी कि जरूरी था कि वो अपनी सफाई दें, लेकिन कांग्रेस के आरक्षण के रुख को लेकर मुझे बहुत कोई हैरानी नहीं होती। और ये भी आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव में जो संविधान की कॉपी लेकर आप एक नैरेटिव मोदी सरकार के खिलाफ चलाते रहे कि ये आरक्षण खत्म करेगी, संविधान बदलेगी, और शपथ के दिन भी कर रहे थे, तो जिस दिन मौका आया उस दिन आप उसके साथ खड़े नहीं होते। और अभी आपके संवाददाता ने भी जिक्र किया था जैसे विकास ने भी कि बांग्लादेश में जो दलितों को लेकर कांग्रेस का स्टैंड है। तो आप विनोद जी, अपॉर्चुनिस्ट किस्म का अगर हम देखें, हालांकि राजनीति से उत्प्रोत है विनोद मिश्रा जी, तो अपॉर्चुनिस्ट किस्म की पार्टी के तौर पर लगातार बसपा सुप्रीमो का मानना है कि इस पूरे आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड रहा है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर ये है कि अब जो बाय इलेक्शंस होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, ये जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा इस वक्त सियासत उस पर बहुत गर्म है, कितना बड़ा हो सकता है उसके नतीजों में, खासतौर पर बसपा सुप्रीमो के लिए, कांग्रेस के लिए, सपा के लिए? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो विजय जी अभी कह रहे थे, उस चीज को समझने की जरूरत है कि जो नैरेटिव्स लेके अभी 2024 के इलेक्शन में और संविधान को पॉकेट में लेके इंडिया गठबंधन जिस तरह से पूरे इलेक्शन कैंपेन को अपना एक बना रही थी कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, संविधान के कॉपी लेके यहाँ अपने लोकसभा में देखा कि शपथ ग्रहण समारोह में भी इंडिया गठबंधन के सारे एमपी ऑलमोस्ट अखिलेश यादव से लेके राहुल गांधी और बाकी सारे एमपी संविधान का हाथ में लहराते हुए ओथ लिया था यहाँ लोकसभा में।
अब सवाल है कि जिस संविधान की रक्षा और आरक्षण की रक्षा के नाम पे आपने इतनी सीटें ली है, अखिलेश यादव ने 37 सीटें ली है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव सपा की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड लोकसभा में या राज्यसभा में लिया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ हैं या हम इसके अगेंस्ट में हैं? ऐसा नहीं कहा। वो इस चीज को देख रही थी कि वो देख रही थी कि पार्टियां कि कम से कम इसका रिएक्शन क्या होता है। जब ये रिएक्शन तमिलनाडु से शुरू हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, उसके बाद रेवंत रेड्डी ने कहा, जज विजय जी भी कह रहे थे इस चीज को, अब ये पार्टी को लगने लगा कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी से एमपी जो बीजेपी के एससी एसटी के एमपी हैं और उनकी मुलाकात हुई और कम से कम ये बात क्लियर हो गई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियर कर दिया कि कम से कम क्रीमी लेयर के मामले में अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का सजेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है, और ये जो चल रहा है संविधानिक जो उनको मिला हुआ है अधिकार वो बराबर कंटिन्यू करता रहेगा। अब ये स्टैंड के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा कि इस पॉलिटिक्स में उनका कहीं से हिस्सा नहीं बना, तो संविधान को पॉकेट में लेके घूमने का क्या मतलब, वो संविधान लहराने का और ओथ लेने का क्या मतलब? यही बात मायावती कह रही है कि आप कह रहे हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें एनजीओ और इंटेलेक्चुअल से मीटिंग करके ये फैसला करेंगे, तो ये सीधे सीधे स्टैंड आपका भी अभी क्लियर नहीं है कि आरक्षण के मुद्दे पे जो बाबा साहब अंबेडकर की व्यवस्था की गई है उसको लेके कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। और जब स्टैंड आरक्षण की होती है तो आप क्रेडिट पंडित नेहरू को देते हैं, गांधी को देते हैं, उस समय में आप बाबा साहब को भूल जाते हैं, लेकिन आरक्षण को के बाद जब होगी संविधान की नैरेटिव की बात होगी तो आप कॉपी लहराते हुए पार्लियामेंट में दिखते हैं, पार्लियामेंट के बाहर दिखते हैं। इसको आज मायावती ने एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल, अगर चाय बहुत अच्छी बनी है तो सारा क्रेडिट लेने की जिम्मेदारी कांग्रेस की, भाई अगर कुछ भी खराबी हुई तो जहां से व्यवस्था शुरू हुई है सीधा ठीक रहा उस पर फोड़ दिया जाए। त्रिवेदी साहब, ये भी समझना बहुत जरूरी होगा, यहाँ पर जिसका खुलासा ट्वीट के जरिए बसपा सुप्रीमो ने किया कि भाई जो उप वर्गीकरण है एससी एसटी में उसको लेकर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भाई हम एनजीओज और वकीलों से बातचीत करेंगे, तो एक साफ अंदेशा ये है कि आप उप वर्गीकरण के पक्ष में हैं, इसका क्या अभिप्राय निकाला जाए? बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक से उसको असेस किया है। दो बयानों में फर्क देख लीजिए, एक एससी एसटी एमपी के साथ प्रधानमंत्री जी की मुलाकात जिसमें उन्होंने साफ किया कि हम इस पर आगे नहीं बढ़ रहे क्रीमी लेयर को लेकर, और ये ऑब्जर्वेशन के तौर पर सरकार इस पर काम नहीं कर रही, एक क्लियर कट स्टैंड है कि सरकार उस पर नहीं जा रही। कांग्रेस भी ये स्टैंड ले सकती थी, कांग्रेस को तो इसमें कुछ करना भी नहीं था, केवल स्टैंड लेना था कि हम इसके साथ हैं या नहीं है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि वी वुड रिव्यू दिस थिंग या वी वुड डिस्कस विद एनजीओज एंड अदर थिंग, इसका मतलब है कि उनके मन में इस फैसले के साथ जाने की बात, बिल्कुल इसीलिए आप रिव्यू कर रहे हैं ना। ये तो एक कांग्रेस लीडरशिप का स्टैंड क्या होना चाहिए था, मैं उनको सजेस्ट नहीं कर रहा, यदि वो इसके खिलाफ होते तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कि दलित अध्यक्ष है, जिनको कांग्रेस ने इतना बेचा है लोकसभा चुनावों में कि भाई दलित अध्यक्ष उनके पास है और उसको लेकर तमाम नेतृत्व की बातें हुई है, तो कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब साफ साफ कह सकते थे कि हम इस स्टैंड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। बिल्कुल, बहुत अहम आपने बात कही कि भाई आपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो आपने कहा कि वो दलित है, हम दलित चेहरे को प्रमुखता से एक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, लेकिन जब बात आती है अपना स्टैंड क्लियर करने की खासतौर पर इतने बड़े मुद्दे को लेकर, तो आप खुद असमंजस की स्थिति में। बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा, लगातार आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद मिश्रा जी और त्रिवेदी साहब इस खास विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए।